चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको बोटिंग पर लेकर चलता हूँ। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कितनी पतली सी बोट पानी में तैरती कैसे होगी और इसको चलाने वाला बैठता कहाँ पर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इतनी पतली सी छोटी सी दिखने वाली बोट पानी में लगभग 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। और आज मैं यहाँ आप सबको उसी खिलाड़ी से मिलवाने आया हूँ जो इस बोट को चलाने में माहिर है। आप महाराष्ट्र के ऐसे गांव से आते हैं जहां सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, भयंकर सूखा पड़ता है मैं कहूंगा। उस गांव से आने के बाद क्या आपने सोचा था कि आप खिलाड़ी बनेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे? एक तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। हमारे घर के साइड में एक तालाब था, तो उस तालाब के बीच में से एक रास्ता जाता था और उस तालाब को पानी जब भरता था ओनली जून जुलाई 2-3 महीने तक भरता था, लेकिन इतना भरता था कि रास्ते के लेवल तक पानी आता था। मुझे डर काफी लगता था पानी से। अगर बाइक से मैं वहां से गुजरू तो बड़ा फास्ट जाता था मैं वहां से, कहीं डूब ना जाऊं, कहीं बाइक फिसल ना जाए। जिसको पानी से डर लगता हो वो पानी के खेल का चैंपियन बन जाए, इसे किसी चमत्कार से कम मत समझिएगा। ये चमत्कार हुआ कैसे? आर्मी में भर्ती हुआ तब से स्टार्ट हुआ। पहले तो डर लगता था काफी सा, लेकिन ये बचपन की आदत थी डर को दूर करना, और हम किसी काम के ऊपर डर लगता है फिर भी उसे बादशाह बन जाते हैं उस काम के ऊपर। ये रोइंग स्पोर्ट्स है क्या? ये तो एक वाटर स्पोर्ट्स है, 2 किलोमीटर की रेस रहती है, उसकी प्रैक्टिस अलग अलग रहती है, तो उसके ऊपर अगर अच्छा टाइम दे तो अच्छा प्लेयर बन सकता है, और हार्ड स्पोर्ट है सबसे ज्यादा। आपकी जो फैमिली थी वो खेती करती थी, खेती करते वक्त आप हल चलाते थे, उन हल चलाते हुए हाथों में बंदूक थमाना, ये किसका आइडिया था कि आपको आर्मी में भर्ती कराया जाए? 2011 में जब 10वीं में मैंने 10वीं क्लास पास हुआ, तो मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा इतनी लंबी हाइट है, बॉडी अच्छी है, कि ये फौजी बन सके अच्छा। तो उस सपना जब पिताजी एक्सपायर हो गए 2011 में, तब मैंने सोचा कम से कम पिताजी के लिए और कुछ तो नहीं कर सके, लेकिन ये सपना तो पूरा करते, उसके लिए मैंने फौज की नौकरी चुनने का पक्का इरादा किया और पहली भर्ती में सिलेक्ट हो गया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? एक अलग सा गर्व महसूस होता था कि मेरे पिताजी की जो ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी की, लेकिन यहाँ आके धीरे धीरे फिर रोइंग की तरफ बढ़ता गया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मामूली बात नहीं है, उस पर 13th रैंक लाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये सब सिर्फ 3 या 4 साल की मेहनत के दम पर किया जाए तो खिलाड़ी के साथ साथ उनके कोच की तारीफ करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। दत्तू की इस रैपिड ग्रोथ के पीछे एक कामयाब कोच रघुवीर सिंह जी। रघुवीर जी, आप दत्तू जी से कब और कहां कैसे मिले? दत्तू की मुलाकात 2012 में जब वो एनरोलमेंट के लिए आया था इंडियन आर्मी में, उस टाइम की नजर आया था, लेकिन जब हमने नहीं सोचा था कि यही बंदा हमारे साथ आके ना कोचिंग करेगा। उसके बाद जब 2015 में हमारे नीचे आया था रोइंग करने के लिए, तो कंटिन्यू अपने साथ ही। एक स्टूडेंट के तौर पर दत्तू कैसे थे? दत्तू मतलब थे भी रहे भी, जब से वो आए हैं रोइंग के अंदर, उनका एक बहुत बेस्ट टारगेट है कि मुझे कुछ ओलंपिक में करके दिखाना है,
तो ये चीज हमको ऐसी लगी कि आज भी लगता है कि नहीं ये अगला 2020 ओलंपिक में कुछ एट लास्ट हमको अभी 13 पोजीशन दिया इसने बेस्ट पोजीशन दिया इंडिया को शायद फाइनल ए में जाके कुछ रिजल्ट दे सकते हैं। बचपन में जो बच्चा कभी खेला ना हो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो ओलंपिक में 13वें स्थान पर आएगा? मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो उसने आर्मी ज्वाइन की, रोइंग सीखी और रोइंग अपना पैशन बनाया और भारत का नाम रोशन किया रोइंग में ओलंपिक्स में। तो उम्मीद करते हैं अगले ओलंपिक में और मेहनत करके शायद वो भारत को पदक भी जरूर मिल जाए। जब आपके फादर की डेथ हुई तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? एक तो पहले मैं बिंदास्त रहता था, जो भी काम आता था, जो भी बाहर से कोई बोलने के लिए आता था डायरेक्ट पिताजी के पास जाता था। मेरे पास तो कोई आता नहीं, यानी कि टेंशन नहीं रहता था, फ्री से आराम से खाना पीना खाओ और रेस्ट करो, काम करो, यही काम आते थे। और जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए तो एक दो महीने के लिए इतना प्रेशर आता था, जो भी आता था डायरेक्ट मेरे पास आता था, बात करता था, ये काम करना है। फिर मैं डर जाता था, ये मैं कैसे करूँ अभी। मदर मेरे साथ रहती थी, मदर बताती थी कि कोई नहीं हो जाएगा ये काम, फिर मदर सपोर्ट करती थी थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन हो गई, फिर आर्मी ज्वाइन होने के बाद फिर थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में तो अभी दो भाई है छोटे और एक भाई की मैंने अभी शादी कर ली है। मदर तो मेरी दिसंबर में एक्सपायर होगी, अभी ओनली फिलहाल दो भाई और मैं एक तीसरा। अपने परिवार के लिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? एक तो अभी पिताजी थे तब तो मेरा एक सपना था कि मेरे पिताजी और माता पिता कि अपने खुद की गाड़ी में घूमे। तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी बिल्कुल, यानी कि कुछ नहीं था। जब पिताजी एक्सपायर हुए, मदर एक्सपायर हुई, तब मेरे पास कुछ कार नहीं थे। तो बट अभी एक ही सपना है कि कम से कम मेरे भाइयों को तो मेरी वजह से खुशी मिले कि अपने भाइयों ने अपने लिए अच्छा मकान बनाया, यानी कि ये खुशी देना चाहता हूँ। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।